फ्रेंड्स वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपकी न्यू पोस्टेस के लिए रिक्वायरमेंट आ गई है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप NPCIL का ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे फिल कर पाएंगे ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में। फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको नोटिफिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपनी आपकी पोस्ट वाइज वैकेंसी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन एज लिमिट देखने के लिए मिलती है। तो फ्रेंड्स पहले आपको अपना अच्छे से डिटेल चेक कर लेना है, देन उसके बाद आपको अप्लाई करना है। नोटिफिकेशन रीड करने के बाद फ्रेंड्स आपको अप्लाई लिंक का ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में देखने के मिलता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप अप्लाई लिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद आप इस तरह के इंटरफेस पर आ जाते हैं। ये NPCIL की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आ जाने के बाद यहाँ पर आपको ये एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए मिलता है। चाहे तो फ्रेंड्स आप यहां से भी अपना डिटेल चेक कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे आपको लॉगिन और रजिस्टर का दो ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। अगर जो वेबसाइट पे पहले से रजिस्टर्ड है तो आप आपको लॉगिन करना है। अगर जो वेबसाइट पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहां पे रजिस्टर आप कर पाएंगे। तो फ्रेंड यहां पे आप रजिस्टरशिप में क्लिक कर देते हैं। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये जो फॉर्म दिया हुआ है इसमें आपको इन्फॉर्मेशन भरना है। इस तरह का आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। इसमें पहले फ्रेंड्स आपको अपना पोस्ट अप्लाई करना है, किस पोस्ट के लिए यहाँ पे आप अप्लाई करना चाहते हैं इसमें से आप वो पोस्ट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप किस डिसिप्लिन में अप्लाई करना चाहते हैं, किस कैटेगरी से हैं आप, अनरिजर्व्ड, OBC, EW, जिससे भी आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अगर जो PH पर्सन है तो फ्रेंड्स आप यस या नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपने नेम का टाइटल सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे देना है। अगर जो आपका कोई मिडल नेम है तो आप यहाँ पे वो एंटर कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है। जेंडर के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना DOB देना है। DOB के बाद यहाँ पे आपको अपना 12 अंकों का आधार नंबर देना है। उसके बाद आपको नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप आते हैं कि आप NPCIL के सेवाकृत कर्मचारी हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन में फ्रेंड्स क्या आप उन लोगों के आश्रित हैं जो 1984 के दंगों में मारे गए थे, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, क्या आप एक विधवा तलाकशुदा महिला हैं या न्यायिक रूप से अपने पति से अलग हुई हैं, क्या आप एक परियोजना प्रभावित व्यक्ति हैं, क्या आपने NPCIL के साथ अनुबंध निश्चित अवधि के आधार पर काम किया है। तो फ्रेंड ये सभी ऑप्शन में फ्रेंड्स अपने अकॉर्डिंग आप यस या नो कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अपना यूजर नेम देना है। यूजर नेम यहाँ पे देने के लिए यहाँ पे आप बीच वाले इस वाले बॉक्स पे क्लिक करते हैं। देन फिर यहाँ पे आप अपना अपने अकॉर्डिंग फ्रेंड्स कुछ भी यूजर नेम आप फ्रेंड यहाँ पे यूजर नेम में आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी यूजर नेम दे सकते हैं और यहाँ पे चेक एबिलिटी पे क्लिक कर सकते हैं। फ्रेंड इस तरह से यहाँ पे आ गया है यूज़र नेम अवेलेबल। अगर जो यूज़र नेम अवेलेबल होगा तो इस तरह से यहाँ पे आपको मैसेज शो होता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड बनाना है। फ्रेंड इसमें आप अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड बना सकते हैं। आपका जो पासवर्ड होगा 8 से 20 करेक्टर का आपका पासवर्ड होना चाहिए और जो आपका यूज़र नेम है वो 5 से 20 करेक्टर का होना चाहिए। फ्रेंड जो आपका पासवर्ड होगा उसमें आपका अल्फ़ाबेट, 1 डिजिट, स्पेशल करेक्टर और आपका अपर केस और लोअर केस, ये सब चीज़ें कंटेन होनी चाहिए। इस तरह से यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड को कंफर्म करना है, आपको अपना मेल आईडी देना है। मेल आईडी के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर के बाद यहाँ पे जो आपको कैप्चा दिया हुआ है वो यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी मेल आईडी पे एक आपका एक्टिवेशन लिंक आता है ईमेल एड्रेस पे, उस पर क्लिक करके आपको अपना ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। लॉगिन आईडी डालना है जो आपने खुद से वहाँ पे क्रिएट की थी। उसके बाद आपको पासवर्ड डालना है, देन आपको ये कैप्चा टाइप करना है, लॉगिन पे आपको क्लिक कर देना है। सेक्शन दिए हुए हैं, 5 सेक्शन पूरे होने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल पे क्लिक करना है। में SSC सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको किस आपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट से किया है उसका आपको नेम देना है। उसके बाद आपको बोर्ड का नेम देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फुल टाइम पार्ट टाइम के कब किस तरह से आपने किया है वो आपको देना है। उसके बाद आपको मंथ या ईयर ऑफ एनरोलमेंट और मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग देना है। मंथ ऑफ ईयर एनरोलमेंट मतलब कि किस मंथ में किस आपने एडमिशन लिया था, किस ईयर में, उसके बाद आपने कब ये पास किया है। अगर जो फ्रेंड्स आपको एडमिशन डेट याद नहीं है तो यहाँ पर आपकी जो पासिंग डेट है उसके अकॉर्डिंग आप 1 ईयर पहले करके अपना ये डाटा यहाँ पर फिल कर सकते हैं।
एआई सेलेक्ट करना है, किस डिसिप्लिन से किया है वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना कॉलेज इंस्टीट्यूट नेम देना है, किस कॉलेज या इंस्टीट्यूट से आपने किया है। यहाँ पे आपको अपना बोर्ड नेम देना है, उसके बाद मोड ऑफ स्टडी देना है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है। उसके बाद आपका डेट ऑफ एडमिशन देना है, उसके बाद आपने कब पास किया है वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है, उसके बाद आपकी कितनी परसेंट आए हैं वो आपको यहाँ पे देना है, आईआईटी की जो आपकी फाइनल मार्कशीट थी वो कब आई थी उसकी यहाँ पे आपको अपना डेट देना है, रिजल्ट ऑफ मार्क्स एसएससी लेवल में आपके कितने मार्क्स आए थे मैथ में वो आपको देने हैं यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन में फ्रेंड्स आपके जो मार्क्स आए थे एसएससी लेवल टेंथ एग्जामिनेशन इन साइंस में कितने मार्क्स आए थे वो आपको यहाँ पे देना है। आपने एसएससी या एचएससी लेवल में इंग्लिश पढ़ी है तो आपको यस या यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपनी फिजिकल स्टैंडर्ड्स की डिटेल भरना है, आपकी जो हाइट है वो कितनी है वहाँ पे फिल करनी है। सेकंड में फ्रेंड्स यहाँ पे आपका वेट कितना है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कंप्यूटर में किस किस चीज़ की नॉलेज है, क्या क्या चीज़ आपको चलाना आता है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट ऑपरेशन, तो फ्रेंड इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर जो आपके पास कोई अलग से कोई सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का या आपको नॉलेज है तो उसका नेम यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। देन उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको नीचे वाले ऑप्शन में आना है अदर क्वालिफिकेशन में। फ्रेंड्स अगर जो आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे वो आप अदर क्वालिफिकेशन फिल कर पाएंगे। आपको यहाँ पे अगर जो अदर क्वालिफिकेशन है तो किस तरह कौन सी क्वालिफिकेशन है उसका नेम, आपने 12th पास किया है या अलग से कोई कोर्स किया है तो आप यहाँ पे वो एंटर कर सकते हैं। आपका सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं, या सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन इंस्टीट्यूट या आपका यूनिवर्सिटी नेम और किस ईयर और मंथ में आपने पास किया है। तो फ्रेंड इस तरह से अगर जो क्वालिफिकेशन अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस देना है, आपके क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आप अपना नेम ऑफ एम्प्लॉयर, पोस्ट हेल्ड, नेचर ऑफ ड्यूटीज, डेट मंथ, डेट फॉर्म और कब से कब तक आपने वर्क किया है, तो फ्रेंड इस तरह से आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे आपने कब से कब तक कितने ईयर में एक्सपीरियंस है आपके पास, टोटल पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, अगर जो कोई आपके पास अदर एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप एड रो भी कर सकते हैं। अगर जो फ्रेंड्स आप वर्किंग है, आपने वर्क किया है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू में, तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर सकते हैं। अगर जो आपने नहीं किया है तो आप यहाँ पे नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल फिल करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना फादर नेम देना है, देन फिर मदर नेम देना है, मैरिटल स्टेटस देना है। मैरिटल स्टेटस देने के बाद यहाँ पे आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। रिलीजन के बाद आपको मदर टंग आपकी क्या है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी जो भी आपकी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना स्टेट या डोमिसाइल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अगर जो आप रजिस्टर्ड हैं एम्प्लॉय एक्सचेंज में तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। अगर जो आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको यस करना है। यस करने के बाद आप उसका डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर जो आप नहीं है तो यहाँ पे आप नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना एड्रेस दे देना है, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस दे देना है, परमानेंट एड्रेस जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पे वो एड्रेस दे देते हैं। अगर जो आपका कोरेस्पोंडेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप ऊपर वाले ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको अपना नियर रेलवे स्टेशन का नेम देना है। आपका कोई क्लोज रिलेटिव्स NPCIL या DME में आपका यहाँ पे वर्किंग है तो वहाँ पे आप यस या नो अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर जो यहाँ पे है वर्किंग तो यहाँ पे आप यस सेलेक्ट करेंगे और उनका डिटेल यहाँ पे देंगे। अगर जो वर्किंग नहीं है तो यहाँ पे आप अपना नो सेलेक्ट करके सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। आपका जो फोटो का साइज़ होना चाहिए वो मिनिमम आपका 10 KB और मैक्सिमम 50 KB का आपका साइज़ होना चाहिए JPG की फॉर्म में। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका सिग्नेचर का साइज़ है वो आप यहाँ पे आपका मैक्सिमम 20 KB यहाँ पे आपका फोटो का सिग्नेचर का साइज़ रखा गया है। तो फ्रेंड फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे आपको चूज़ फाइल पे क्लिक कर देना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपने मोबाइल में या अपने सिस्टम में से फाइल को चूज़ करना है। चूज़ करने के लिए जिस फोल्डर में आपके अपना फ़ोटो या फाइल रखा हुआ है वहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है।
इस तरह से यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो और आपको पहले अपना फ़ोटो अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। दोनों चीज़ अपलोड करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आप अपना फॉर्म प्रीव्यू देख सकते हैं। आपकी कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर से आप एडिट कर सकते हैं। अगर जो लगता है आपको सही है तो यहाँ पर आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ओके करना है। देन फ्रेंड्स जो आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। फॉर्म का आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो फ्रेंड इस तरह से आप NPCIL का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप फिल कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।